हाय एवरीवन वेलकम टू कर क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है आर्टिकल ट्वेल्व टू तो आर्टिकल थर्टी हमारा कंप्लीट हो गया है आज हम फर्दर आर्टिकल जो हैं दैट इज़ यूर थर्टी वन टू आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव वो सारे हम इसमें कवर करेंगे तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूँ इसमें मैं लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी का स्पेशलाइजेशन का पार्ट जो कि हमारा कवर हो गया है ठीक है एंड सेकेंडली मैं कवर करवा रही हूँ जी के विथ स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के जिसमें हम करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं उसका फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन आज कवर हो जाएगा तो डू स्टे टिल एंड लास्ट में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएगा नेक्स्ट हम फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स ही थोड़ा बड़ा था आगे जो फर्दर हमें पढ़नी है डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वो ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं अगर आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं जो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में एक ऐसा साइन या अगर आप वॉलेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको मेरा यू पी मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ एंड मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन से भी आप ये आई देख सकते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल थर्टी तक हमारा हो गया था देखो जो आर्टिकल थर्टी वन है बेसिकली टॉक्स अबाउट टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी तो ये पहले एक फंडामेंटल राइट right था अब हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया है बस आपको ये याद रखना अब ये आता है आपका अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड ठीक है एंड इसको डिलीट किया था बाई फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन अमेनमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट तो ये दो चीज़ें आप इसमें याद रखोगे ठीक है आप एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल ए इस अमेंडमेंट से इसको लाया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ठीक है तो आगे चलते हैं आर्टिकल 32 इस आर्टिकल को बोला जाता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ठीक तो इसमें क्या है बेसिकली कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है किसी भी इंसान का आपका मेरा किसी का भी हमारे पास राइट right है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल थर्टी टू या हम डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं लेकिन वो आपका आता है अंडर आर्टिकल थ्री टू ट्वेंटी सिक्स तो ये दो आर्टिकल याद रखना सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के अंडर अप्रोच कर सकते हो आप आर्टिकल थर्टी टू एंड हाई कोर्ट को कर सकते हो आर्टिकल टू ट्वेंटी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो बेसिकली अगर आपका कहीं से भी कुछ वॉयलेशन हो रही है आपके किसी राइट right की तो ये आपको उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एक रेमेडी प्रोवाइड करता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो फाइन तो सुप्रीम कोर्ट को आपको इसमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है इन फंडामेंटल राइट right, राइट में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ज्यादा सारा फैक्चुअल ही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आपका मतलब उनके पास ये पावर नहीं है कि वो बोले आपको मैं आपका केस नहीं सुनूंगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो केस सुनना आपका ठीक है लेकिन जो हाई कोर्ट है उसका ये पावर डिस्क्रिशनरी है कि वो आपको मना भी कर सकता है वो आपको बोल सकता है कि नहीं आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ क्योंकि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात है या कोई ऐसी बात है जिसको कुछ एक ग्रेटर लेवल पे सॉल्व करने की ज़रूरत है ठीक है जिसको कोई ग्रेटर सोल्यूशन चाहिए या इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो आपको बोलेगा हाई कोर्ट कि मैं आपका केस नहीं सुनूंगा आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैंडेटरी है कि अगर उसके पास ऐसा कोई केस आता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही हो तो उसको वो केस सुनना ही सुनना होगा ठीक है तो इसमें आप ये चीज याद रखोगे प्लस इसमें आपको तीन बातें याद रखनी है बस थ्री थिंग्स ज्यादा नहीं पहला कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस जाते हैं उनका तीन स्टैंड होता है ठीक है तीन प्रोविजन होते हैं दरअसल पहला होता है नो लोक स्टैंड आई ये आपके फंडामेंटल के वायलेशन से रिलेटेड है लोकल स्टैंड आई क्या होता है बेसिकली जिसमें सिर्फ अफेक्टेड पार्टीज जो हैं, दे कैन फाइल अ केस पार्टीज कैन फाइल अ केस ठीक है ये लोकल स्टैंड आई होता है तो फंडामेंटल राइट वायोलेशन में क्या होता है नो लोकल स्टैंड आई दैट मीन्स अगर आपका कोई वायलेट हो रहा है कोई राइट right, तो जरूरी नहीं जो आप इफेक्ट हो रहे हो सिर्फ आप जाके केस करो आपकी जगह कोई और भी कर सकता है दैट मीन्स इसमें लोकल स्टैंडर नहीं है फंडामेंटल राइट वायलेशन में ठीक है या yeah, नो no है यहाँ पे ठीक है लो का स्टैंड आए होता है कि सिर्फ अफेक्टेड पार्टीज जो है फाइल कर सकते हैं केस अगर नॉर्मली कोई राइट right जो है वो कोई आ, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी इंसान के साथ लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट right के रिलेटेड है दैट मीनस एनी अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ द इफेक्टेड पार्टी वो भी फाइल कर सकते हैं केस ठीक है एंड सुवो मोटो सुवो मोटो हुआ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन खुद ही ले सकता है कैन टेक एक्शन ऑन इट्स ओन ठीक है अगर कोई उसको ना भी बोले कि के इस केस को हैंडल करो फंडामेंटल राइट right जो है लोगों का यहां पे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है प्रोहिबिट हो रहा है कोई अगर ना भी बोले सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से वो केस जो है वो ले सकता है उसको बोलते हैं सो मोटो एक्शन एंड नो टेक्निकलिटीज जैसे आपको लीगल केस कोई भी फाइल करना हो कोई भी केस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो उसका एक फॉर्मेट होता है ना कि आपको प्रॉपर पेपर वर्क करना होगा एक फॉर्मेट के तहत आपको एप्लीकेशन देनी होगी लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा जरूरी नहीं अगर आप वर्बली भी बोलोगे जाके ऑरल भी इंसान अगर बोलेगा ऑरल मेंशन भी करेगा तो भी उसका केस कंसिडर किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट वायोलेशन में कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इफेक्टेड पार्टीज फाइल करेंगे केस सो मोटो नहीं है दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट सो मोटो है दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन भी एक्शन ले सकता है एंड कोई टेक्निकलिटी कोई फॉर्मल प्रोसीजर कोई फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट जो है फाइल करने की जरूरत नहीं है ठीक है एंड आर्टिकल थर्टी टू क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज के अगर आपका वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल थर्टी एंड आप अप्रोच कर सकते हो को भी डायरेक्टली अंडर आर्टिकल टू सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता कि मैं आपका केस नहीं सुनूंगा उसके लिए जरूरी है सुनना हाई कोर्ट जो है उसके लिए डिस्क्रिशनरी है वो बोलेगा कि नहीं आ ये जो है इसको बेटर इंटरप्रिटेशन चाहिए या ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है आप एक काम करो आप उठो और आप सुप्रीम कोर्ट जाओ ठीक है ये हो गया आपका आर्टिकल थर्टी टू इन्हीं चीजों की वजह से हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि गारंटर है फंडामेंटल राइट का क्योंकि इसका काम है देखना कि फंडामेंटल राइट right जो है वॉयलेट तो नहीं हो रहे हाई कोर्ट तो आपको बोल सकता है कि मैं नहीं सुनूंगा case, आप सुप्रीम को जाओ। लेकिन सुप्रीम को सुनना ही सुनना है तो इसे सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका ये वॉयलेन केस सुनने के बाद वो इशू करता है रिट इशूज रिट हाई कोर्ट भी इशू करता है रिट ठीक है अगर हाई कोर्ट ने सुना है तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक चीज कि जो ये हाई कोर्ट है ये सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट्स इशू करता है सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट right की वॉयलेन हुई हो लेकिन जो हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट वॉयेशन प्लस आपका अगर लीगल राइट वॉयेशन है दोनों केसेस में रिट्स इशू करता है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किस में इशू करता है अगर फंडामेंटल राइट right की वॉयलेशन हो रही हो फाइन तो हमारे पास ऐसे पांच रिट्स हैं जो हमें पढ़नी है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करते हैं अगर आपकी वॉयलेशन हुई हो तो वो रिट्स इशू करेंगे भी रिट होता क्या है जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे वो इशू करेगा रिट तो रिट बेसिकली ऑर्डर है जिसको इशू किया जाता है रिट इट इज एन ऑर्डर इशूड टू रिस्टोर राइट्स कि आपको आपके राइट्स वापस दिलाने के लिए ठीक है रिट्स इशू होते हैं तो हमारी ऐसी पांच रिट्स हैं जो हमें पढ़नी है जो सुप्रीम कोर्ट आपके इशू करते हैं जबकि कोर्ट से इशू होती है पहला रिट हो गया आपका हेबस कॉर्पस तो ये रिट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं इसीलिए आपको ये याद करनी होगी यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ दैट अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया है या जो उसका डिटेंशन पीरियड था उससे ज्यादा टाइम आप उसको बंद करके रखो या किसी जुडिशियल ऑर्डर के बगैर उसको डिटेन करो तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि उस बंदे को सामने लेके आओ ठीक है उसकी लिबर्टी उसको वापस दे दो तो उसको हम बोलते हैं Uh, कॉर्पस ठीक है जो इलीगल डिटेंशन के मामले में इशू की जाती है ये काफी डिटेल्ड है ये टॉपिक्स लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोल रही हूं जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है ठीक है इलीगल डिटेंशन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है कोई नेशनल इमरजेंसी तो उस केस में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं ठीक है उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी में लेकिन नेशनल इमरजेंसी में भी आपका जो आर्टिकल ट्वेंटी है एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन वो सस्पेंड नहीं होता है आर्टिकल ट्वेंटी वन इज रिलेटेड टू योर राइट टू लाइफ एंड ट्वेंटी आर्टिकल किससे रिलेटेड है ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी रिलेटेड टू योर प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द दन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस ठीक है तो नेशनल इमरजेंसी में जहां आपके बाकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ये ट्वेंटी 21 सस्पेंड नहीं होता तो जब कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस वाला आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है इस चीज में वो सस्पेंड नहीं होगा तो याद रख लेना ऑब्वियसली आपका जो हेबस कॉर्पस है ये भी सस्पेंड नहीं होगा इमरजेंसी के टाइम पे तो कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस यही है कि आपको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है ठीक है आपको अगर इलीगली डिटेन किया गया हो इस चीज पे जो है वो देखा जाता है एंड हेबस कार्पस भी किस केस में इशू की जाती है अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया हो तो ये दोनों चीजें रिलेटेड है ठीक है तो ये दोनों चीजें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती है फाइन ये याद रखोगे आप सेकेंड इज योर मैंडमस मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड तो इसमें हो सकता है जैसे आपको सस्पेंशन वाला एक क्वेश्चन बन जाए हेबस कॉर्पस का या इलीगल डिटेंशन के टाइम पे इशू होता है या हेबस कॉर्पस का मतलब क्या है ऑप्शंस में वी कमांड लिखा होगा टू हैव द बॉडी ऑफ लिखा होगा ठीक है ऐसे करके क्वेश्चन जो है इसके इस वाले टॉपिक में बन सकते हैं तो इस मैंडमस का क्या मतलब होता है वो कमांड तो इस केस में कोर्ट इशू करती है ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट समथिंग कि मतलब ये काम करो टू इम्प्लीमेंट समथिंग और रेफ्रेन फ्रॉम समथिंग ये काम करो या ये काम नहीं करो उस केस में ये रिट इशू होता है ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोल सकते हो नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है उसको नहीं बोल सकते ये करो या प्रेजिडेंट एंड गवर्नर को नहीं बोल सकते या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं बोल सकते हो ये दो चार लोग हैं जिनको आप ये जो जिनके अगेंस्ट आप ये जो रिट है ये इशू नहीं कर सकते कोर्ट ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो ठीक है ये याद रख लेना ये हो गया आपका वी कमांड कि कोई काम करो या कोई काम मत करो उस केस में इश्यू होता है फिर थर्ड वन इज अ प्रोहिबिशन मैं फिर क्विकली आपको रिवाइज भी करवाऊंगी अभी आप बस ये जो है समझो प्रोहिबिशन होता है ये किया जाता है ऑर्डर किसी एक जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट अगर किसी हायर जो अथॉरिटी वाली हायर अथॉरिटी वाला कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट जो है लोअर अथॉरिटी वाले कोर्ट को करेगा अगर उसको लगेगा वो अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर रहा है दैट मीन जो उसके पावर में नहीं है वो उस चीज़ पे क्या कर रहा है कोई अपना कोर्ट ऑर्डर इशू कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो बेसिकली अगर एक बड़े कोर्ट को लगेगा छोटा कोर्ट जो अपनी औकात से बाहर निकल रहा है तो वो क्या करेगा उसको एक प्रोहिबिशन वाली रिट जो है ऑर्डर वो इशू करता है तो इसको किस केस में बोलते हैं एक्सीडिंग कोई लोअर कोर्ट अपने ये करेगा को करेगा दैट मीन जो जो उसके अंडर नहीं आता है एरिया या जो टॉपिक उस टॉपिक पे वो जजमेंट पास करना शुरू कर दे तो उसको प्रोहिबिशन करता है हायर कोर्ट की अपनी औकात से बाहर मत जाओ ये आपका काम नहीं है ठीक है फोर इज योर सर शर राय सर राय ठीक है इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और इनफॉर्म्ड टू बी सर्टिफाइड और इनफॉर्म इसमें क्या होता है हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को बोलता है कि कोई एक अगर ऑर्डर उनके पास होगा ठीक है वो पेंडिंग होगा उसका काम नहीं कर रहे होंगे उस पर कुछ काम नहीं हो रहा होगा तो वो उसको बोलेगा हायर कोर्ट हायर अथॉरिटी का कोर्ट लोअर अथॉरिटी वाले कोर्ट को बोलेगा ट्रांसफर करो वो पेंडिंग केस मेरे पास ट्रांसफर अ केस पेंडिंग टू इट्स सेल्फ मतलब मेरे पास वो केस वापस वो कर दो टू इट्स और अगर उसने कोई ऑर्डर वगैरह पास कर दिया होगा स्क्वैश था ऑर्डर

person is appointed ठीक है या जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको सही से फॉलो नहीं किया होगा प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट फॉलोड करेक्टली फाइन तो ये उस केस में इश्यू होता है तो ये पांच रेट्स हमने देखी ठीक है एक बारी क्विकली हम आर्टिकल थर्टी टू को रिवाइज करते हैं आर्टिकल थर्टी टू तो हमने देखा पहले फंडामेंटल राइट अच्छा फंडामेंटल राइट हो गया हमने देखा थर्टी टू आर्टिकल इसको बोल बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ठीक है तो ये इसमें क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो आपके पास पावर है आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को ठीक है या आप अंडर आर्टिकल थर्टी टू या आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को कर सकते हो अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ठीक है इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास मैंडेटरी ये है कि उनको सुनना है आपका केस हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है वो बोल सकता है नहीं आपका केस जो है इसमें थोड़ी ग्रेटर इंटरप्रिटेशन चाहिए या नेशनल इंटरेस्ट का है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है यस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट को नहीं बोलते हैं तो इसमें आपको याद रखनी है तीन चीजें नो लोकस स्टैंड है दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ इफेक्टेड पार्टीज जो है केस फाइल करें सो मोटो है सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई नहीं बोलेगा फंडामेंटल राइट राइट वायलेट हो रहा है लोगों का वो खुद से एक्शन ले सकती है ठीक है एंड नो टेक्निकलिटीज आपको फॉलो नहीं करनी है इसका जो आप फॉर्मेट कोई भी है इवन और अगर आप बोलोगे तो वो भी चल जाएगा ठीक है तो एससी को बोला जाता है इन चीजों की वजह से गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट अब फंडामेंटल राइट right, उन्होंने वो केस सुना अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस ऑर्डर में क्या कर सकता है वापस कोर्ट आपका वो ऑर्डर इश्यू करेगा रेस्टोर करने के लिए आपके राइट्स उन ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं रिट बोलते हैं ठीक है ठीके? अब केस की वॉयलेशन हुई है ठीक है आपको एक पावर तो होगा ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा केस सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रिट्स इशू होती हैं उन रिट्स को हम क्या बोलते हैं वो भी ऑर्डर होते हैं आपके र, राइट्स को रिस्टोर करने के लिए वो हमारे पास फाइव टाइप के रिट्स हैं टू हैव द बॉडी ऑफ कॉर्पस दैट मीन्स अगर इलीगली डिटेन किया गया होगा तो बोलेंगे उस बंदे को लेके आओ इलीगली आप कैसे कर सकते हो कि आप जुडिशली और, जुडिशल ऑर्डर के बगैर आपने डिटेन किया या टाइम से ज्यादा उसको रखा हुआ है इसमें डिटेंशन सेंटर में तो ऐसे केसेस में आपको बोला जाएगा उसको प्रेजेंट करो ठीक है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या होता है आपका ये सस्पेंड नहीं होता है कॉर्पस विद योर आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन वी कमांड ये ऑर्डर करते हैं टू इम्प्लीमेंट सही से काम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट right पे असर पड़ रहा है या रिफ्रेन करो कुछ करने से क्योंकि उस चीज की वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो प्रेजेंट गवर्नर को नहीं बोल सकते हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आप नहीं बोल सकते हो जजेस को बोल सकते हो ठीक है यहाँ पे याद रखना चीफ जस्टिस को नहीं बोल सकते हो प्रोहिबिशन जब किसी कोर्ट ऑफ हायर अथॉरिटी को लगेगा कि जो लोअर अथॉरिटी वाला कोर्ट है वो अपनी औकात से बाहर जा रहा है अपने जो रिजेक्शन को एक्सीड कर रहा है उस केस में प्रोहिबिशन वाली रेट आती है सर्श राय होता है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्मड इसमें हाई कोर्ट क्या बोलता है लोअर कोर्ट की अथॉरिटी को कि जो आपके पास फॉलोइंग केस है पेंडिंग वो मेरे पास लेके भेजो या अगर आपने उस केस पे ऑर्डर दे दिया है उस ऑर्डर को आप स्क्वाश करो ठीक है फिर आपके पास आता है को वॉरेंटो थ्री फोर को वारंटो, वारंटो यहाँ से रेज हो गया है। पोजिशन ऑक्यूपाई की गलत तरीके से तो उस केस में जो है ऐसी रेट्स इशू होती हैं ये कब होगा कोई अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट हुआ है या जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है प्रोसीजर जो होता है अपॉइंटमेंट का उसको करेक्टली फॉलो नहीं किया है ये हो गया आर्टिकल थर्टी टू आपका अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल थर्टी थ्री ये क्या कहता है जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रेस्ट्रिक्शन की बात होती है किन किन के लिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस तो इसमें किस किस का फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आपकी आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस पैरामिलिट्री जिसमें आपके सीआरपीएफ बी एस एफ वगैरह आते हैं ठीक है इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनलॉगस फोर्स एनलॉगस मीन अगर आपको वहाँ पे काम करते हो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में पैरामिलिट्री फोर्स में तो भी आप लागू हो सकता है एनलॉगस फोर्सेस ठीक है तो आर्टिकल थर्टी थ्री क्या कहता है किन किन का फंडामेंटल राइट जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है मतलब स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज में तो वो इन सारों का होता है ठीक है सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज के फंडामेंटल राइट्स के रेस्ट्रिक्शन के लिए कि उन पर आप कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो वो फंडामेंटल राइट को वैसे एन्जॉय नहीं कर पाएंगे जैसे एक नॉर्मल सिटीजन करता है फिर हो गया आपका आर्टिकल नंबर थर्टी फोर ये कहता है जो मार्शल लॉ है मार्शल लॉ वो रेस्ट्रिक्ट करता है आपका फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है दैट मीन्स अगर मार्शल लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ इज ए मिलिट्री रूल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई हो जाएगा तो उस एरिया में क्या होगा फंडामेंटल राइट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ठीक है विल रेस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट्स अभी तक मार्शल लॉ यहाँ पे कभी नहीं लगा है फिर हो गया आपका आर्टिकल थर्टी फाइव फंडामेंटल राइट आर्टिकल थर्टी फाइव क्या कहता है आपका कुछ जो फंडामेंटल राइट रिलेटेड लॉज है फंडामेंटल सम ऑफ द फंडामेंटल राइट रिलेटेड लॉज शुड बी created only by parliament and not by your state legislative assemblies ठीक है मतलब आपकी state की जो government है वो नहीं बना सकती है सिर्फ parliament बना सकती है वो कौन कौन से articles हैं आपके वो note कर लो आर्टिकल सिक्सटी थ्री सिक्सटीन आर्टिकल हमने क्या बोला था कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट में एक क्राइटेरिया है रेजिडेंस के बेसिस पे आप कर सकते हो तो उसकी जो उसके रिगार्डिंग लॉ है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है ठीक है एंड सेकेंड वन इज यू पार्ट थ्री वो कहता है सिर्फ पार्लियामेंट जो है कैन एम्पावर द लोअर कोर्ट टू हेयर फंडामेंटल राइट वायोलेशन केसेस आर्टिकल थर्टी टू हमारा किससे रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज उसका प्रोविजन है सिर्फ पार्लियामेंट वो एम्पावर कर सकता है लोअर कोर्ट को फंडामेंटल राइट वायोलेशन केसेस सुनने के लिए हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस में आर्टिकल थर्टी टू और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स लेकिन पार्लियामेंट लॉ बना सक, बनाता है सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि लोअर कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट वॉयेशन केसेस सुन सकता है ठीक है उसके बाद हमने किया आर्टिकल 33, आर्टिकल थर्टी फोर ये किससे रिगार्डिंग है आपके रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म फोर्सेस आर्टिकल थर्टी फोर जो मार्शल लॉ इन पे भी राइट right सिर्फ किसके पास है बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास एंड आर्टिकल सेवनटीन दैट इज योर राइट टू अनबिलिटी राइट अगेंस्ट अनबिलिटी इस पे भी सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एंड योर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस पे भी सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं तो ये आपका आर्टिकल थर्टी फाइव कहते हैं दिस फिनिश इज यंडामेंटल राइट अब हम क्या करेंगे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी फंडामेंटल राइट याद रखने के उससे आप याद रखोगे एंड हम क्विक रिविजन सारे फंडामेंटल राइट्स का करेंगे तो आप अभी मतलब डू स्टेट इल द देखो आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स में भी आपको चीज़ें याद रखनी होंगी ऐसा नहीं आपको कुछ भी नहीं याद रखना है इसमें पर आपके थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि नहीं तो आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 जहां से हम फंडामेंटल राइट्स अपने याद करना शुरू कर देते हैं तो वो आपके ऐसे 14, 15, 16 क्या आर्टिकल कहता है वो ऐसे आपके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो बेसिक चीज पहले आपको याद रखनी है जैसे राइट टू इक्वालिटी आपके क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं कि आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन किसके बारे में बात करता है वहां पे लिखा होगा राइट टू इक्वालिटी ठीक है राइट टू फ्रीडम या राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन तो आपको पता होना चाहिए इसमें आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन आपका राइट टू इक्वालिटी है एंड योर फ्रीडम दिस इज योर आर्टिकल नाइनटीन टू आर्टिकल ट्वेंटी टू नेक्स्ट आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये आपका आता है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर ठीक है फिर आता है आपका राइट टू तो रिलिजन राइट टू तो फ्रीडम ऑफ रिलिजन वो है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट फिर है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू थर्टी फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आते हैं आपके आर्टिकल अंडर ट्वेंटी टू टू थर्टी फाइव ठीक है थर्टी टू टू थर्टी फाइव तो ये हुए आपके राइट्स जो आपको ऐसे याद रखने हैं अब इसमें आप कैसे याद रख सकते हो एक चीज पहले आप इक्वालिटी से याद रख लो इक्वालिटी आपका आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन बोलता है जब भी हमें इक्वालिटी मिलती है इक्वालिटी के बाद हमें क्या मिलेगी आजादी फ्रीडम ठीक है तो इक्वालिटी के जस्ट बाद आपका फ्रीडम होगा फ्रीडम जितनी मिलेगी उतना एक्सप्लॉयटेशन के भी चांस आपको जितनी आजादी मिलती है मोबाइल फोन यूज़ करने की उतना आप एक्सप्लॉयट करते हो मोबाइल फोन को फिर आप दस दस घंटे यूज़ करोगे ग्यारह ग्यारह घंटे यूज करोगे तो एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगी एक्सप्लॉयटेशन के जस्ट बाद याद रखो एक्सप्लॉयटेशन आजकल हमारी कंट्री में रिलीजन के नाम पर बहुत ज्यादा हो रही है इस वजह से हमें ध्यान देना चाहिए कल्चरल एंड एजुकेशन पर ज्यादा तो नेक्स्ट इज योर कल्चर एजुकेशन राइट्स एंड लास्ट में याद रख लो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ठीक है तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूं पहले इक्वालिटी इक्वालिटी के बाद आपको फ्रीडम मिली फ्रीडम से आपने कुछ एक्सप्लॉयटेशन ले ली एक्सप्लोइटेशन कंट्री में रिलीजन के नाम पे हो रही है इसीलिए ज्यादा फोकस करो कल्चर एंड एजुकेशन पे एंड लास्ट में क्या आपको प्रोवाइड होंगी रेमेडीज हर चीज के लास्ट में रेमेडीज मिलेंगी आपको पहले आप सारा डिस्क्राइब करोगे क्या क्या गलत हो रहा है लास्ट में कुछ रेमिडीज दोगे वो याद रख लो लास्ट में रेमेडीज है अब ये आपको यहां से याद रह जाएगा इक्वालिटी इक्वालिटी के बाद फ्रीडम फ्रीडम से एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन के नाम पे इसीलिए फोकस

डाउट करके ठीक है ई डाउट इसमें ई e डाउट क्या, क्या हुआ पहले आपका आर्टिकल फोर्टीन किसके बारे में बात करता है राइट टू इक्वालिटी ठीक है उसके बाद में ये आपका आर्टिकल फोर्टीन है फाइन उसके बाद हो गया आपका डी डी से हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे वो किस बात आ, आर्टिकल में बात हुई आर्टिकल 15 में और 16 में 15 में जनरल प्रिंसिपल्स हैं 16 इज योर स्पेसिफिकली योर एम्प्लॉयमेंट उसके बाद ओ आ गया आपका ओ आप रख सकते हो याद पहले डिस्क्रिमिनेशन ओ फिर कुछ नहीं है यू याद रख लो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है अनटचेबिलिटी आर्टिकल सेवनटीन ठीक है फिर टी से आप याद रखो टाइटल्स एबोल ऑफ टाइटल आर्टिकल एटीन है यह आप शॉर्ट में याद रख लो इक्वालिटी के साथ ई e से इक्वालिटी ई e से ईड e इतना तो याद रह जाएगा ना ठीक है फिर आ गया आपका फ्रीडम फ्रीडम में आप याद रखोगे फोल्ड एफ ओ एल डी पहला हो गया उसमें नाइनटीन आर्टिकल फ्रीडम के बारे में बात करता है ठीक है हो गया आर्टिकल नाइनटीन एफ से फ्रीडम ओ हो गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता है with, th, th, कुछ rights होते हैं आर्टिकल ट्वेंटी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसिस आ गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट इज योर राइट टू लाइफ आर्टिकल ट्वेंटी वन लाइफ के बाद क्या है सेकेंड डी तो डी इज रिलेटेड टू डिटेंशन जिसमें प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन आते हैं वो हो गया आपका आर्टिकल ट्वेंटी टू तो सीक्वेंस में याद रख सकोगे ना ई से पहले इक्वालिटी आ गया इक्वालिटी में हमने ई e डाउट देखा फ्रीडम में हमने फोल्ड देखा एफ से फ्रीडम एफ से फोल्ड फिर है आपका एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन में दो ही हैं तो उसमें आप ऐसे याद रख सकते हो एक्सप्लॉयटेशन आपको पता है ट्रैफिकिंग के केस में है चाइल्ड लेबर के केस में है एक्सप्लॉयटेशन में आप याद रखो टेक केयर जब कोई एक्सप्लॉइट हो रहा होता है तो आप सो क्या बोलते हो ना टेक केयर अपना ख्याल रखना खुद को एक्सप्लॉयट होने से बचाना टी इज रिलेटेड टू य आर्टिकल 23, T is related to a trafficking, human trafficking. And C is Article 24, which is related to a child labor. चाइल्ड लेबर ठीक है फिर हो गया आपका रिलिजन एक्सप्लोर्टेशन हो गया रिलिजन में आपको याद रखना है पेट पी ए टी ई अब पेट कैसे याद रखो आजकल रिलीजन के नाम पे क्या हो रहा है लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अलग करवा रहे हैं लड़ाई करवा रहे हैं क्योंकि उनको क्या करना है अपना पेट भरना है उनको पैसे कमाने हैं इस चीज से रिलीजन यूज होता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को पावर में आना है जिसके पास पावर है उसके पास इतना पैसा है तो रिलीजन से लोग अपना पेट भर रहे हैं आजकल ठीक है वो पेट याद रखो पी एट ही उसमें पेट में पी में मैंने आपको कहा था इसमें पहले आता है प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन ये हमने कल पढ़ा था ट्वेंटी फाइव आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स कहते हैं राइट टू तो एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू सॉरी मैनेज एंड एडमिनिस्टर योर रिलीजियस अफेयर्स टू तो रिलीजियस अफेयर्स की बात आ गई ठीक है टी से हो गया आपका टैक्सेस के बारे में बात आ गई थी कि, कि किसी भी टैक्स टैक्स को आपको पे नहीं करना है फॉर प्रमोशन ऑफ एनी सिंगल रिलीजन आर्टिकल ट्वेंटी सेवन आर्टिकल ट्वेंटी एट हो गया ई जो बोलता है एजुकेशन कैसी होगी रिलीजियस एजुकेशन आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे इम्पार्ट होगी उसकी कुछ कंडीशन रिलीजियस एजुकेशन के रिलेटेड देखो अब ट्रिक्स बनाने का क्या मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म बनाना ठीक है अब आपको इस आर्टिकल जैसे आपको ट्वेंटी सेवन पर टैक्सेस आएगा ट्वेंटी सेवन टैक्सेस के बारे में बात करता है तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए आपको टैक्सेस से अब ये याद आना चाहिए हाँ ट्वेंटी सेवन क्या बोलता है तो बेसिकली आपको ये आर्टिकल जो है पहले सारे याद करने हैं खुद से फिर आपको मेमोराइज कैसे हो जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल पर्टिकुलरली किस चीज को कवर करता है वो आपको ट्रिक्स हेल्प करेंगी फिर हो गया कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स इसमें आप मी याद रख लो क्योंकि वो माइनॉरिटी के बारे में ही बात हो रही है तो एम से आपका आर्टिकल पहले क्या आता है कि मेंटेन कर सकते हो अपना कल्चरल जो है वो स्क्रिप्ट वगैरह जिसका ये होगा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो माइनॉरिटीज आर्टिकल ट्वेंटी नाइन जो हमने कल डिस्कस किया एंड थर्टी आर्टिकल किसके रिलेटेड है आपके अगेन माइनॉरिटीज का राइट right अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का ठीक है इसमें आप मी याद रखोगे माइनॉरिटी ये याद रख लो हम यहाँ पे माइनॉरिटी में है ठीक है कुछ भी करके याद रख लो कैसे भी करके आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो अगर आप मुस्लिम हो तो सोचो आप इंडिया में माइनॉरिटी हो अगर आप हिंदू हो जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो आप सोचो आप जे के के माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी आप हो मी मी माइनॉरिटी ठीक है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज लास्ट में आपको क्या मिलती है रेमेडीज ये हर चीज में सेम है रेमेडीज मिलना लास्ट में हर चीज की रेमिडीज आपको लास्ट में मिलती है आपको अब बीमार हो गए हो डॉक्टर के पास गए हो डॉक्टर आपको रेमेडी देगा वो रेमेडी हमेशा लास्ट में मिलेगी तो अगर आप आ, किसी एक जगह फंस गए हो कहीं पे कोई अटैक हो गया है ठीक है फिर आपको आर्मी वहां बचाने के लिए आएगी तो वो आपके लिए रेमेडी होगा वो रेमेडी आपको लास्ट में मिलेगी तो कहने का क्या मतलब है ये रेमेडी जो सोल्यूशन है वो हमेशा आपको लास्ट में मिलता है ये सेम होगा अक्रॉस ऑल द फील्ड ठीक है तो रेमेडी में याद रख लो सेम तो आर्टिकल थर्टी टू सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में बात करता है ए हो गया आपका आर्म्ड फोर्सेस राइट आर्म्ड फोर्सेस के रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात होती है आर्टिकल थर्टी थ्री में फिर एम हो गया आपका मार्शल लॉ लॉका थर्टी फोर है एंड ई e से हो गया आपका लेजिस्लेश लास्ट वाला इसको इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी बोलते हैं वो आर्टिकल थर्टी फाइव में आ गया ठीक है तो यहां से जल्दी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास फंडामेंटल राइट का चार्ट है सारा तो जहाँ तक अभी तक आपने एक बड़े नोट्स बनाए होंगे मेरे पुराने वीडियोस देखे ठीक है उसको आप दो चार बार रिवाइज करो फिर आप ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाओ और जब फाइनल एग्जाम से पहले आपको क्विक रिविजन करना होगा एक दिन पहले सारा रिवाइज करना होगा तो आप ये चार्ट से देखे जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो ठीक है पहले मैं एक मिनट का कलर चेंज कर देती हूँ पहले आपको क्या याद रखना है हमें इक्वालिटी मिलती है जब इक्वालिटी मिलती है तो हमें साथ में फ्रीडम मिलती है हमें जब आजादी मिलती है हम खुद को एक्सप्लॉयट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आजकल एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा कंट्री में रिलीजन के नाम पे हो रही है रिलीजन से हटो और एजुकेशन और कल्चर राइट्स पर फोकस लाओ अपना और लास्ट में कुछ रेमिडीज प्रोवाइड करो ये सीक्वेंस याद रही इसमें आपको याद रखना है कौन कौन से आर्टिकल किस में आएंगे इक्वालिटी फोर्टीन टू एटीन नाइनटीन हो गया फ्रीडम थर्ड ट्वेंटी फोर्थ हो गया एक्सप्लोइटेशन ट्वेंटी फिफ्थ टू ट्वेंटी रिलीजन ट्वेंटी नाइन थर्टी हो गया कल्चरल राइट एंड थर्टी टू टू थर्टी फाइव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज होता है ठीक है ये इन सारे राइट्स को हम राइट टू कॉन्स्ट्यूअल रेमडी बोलते हैं जो आपका सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बी आर आंबेडकर ने कहा है अब आपको अलग अलग राइट में फोर्टीन टू एटीन याद रखने कौन कौन से हैं तो इक्वालिटी से आप याद रखोगे ई e डाउट ठीक है डाउट में इसमें कुछ नहीं आता है लेकिन नाम बनाने के लिए यहां पे लिखा हुआ है ई e से हो गया इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी आपको फोर्टीन आर्टिकल बोलता है डी हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन इसमें फिफ्टींथ और सिक्सटीन आर्टिकल आता है सेवनटींथ हो गया अनटचेबिलिटी एंड एटींथ हो गया आपका टाइटल्स जिसमें आपका राइट right अगेंस्ट ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात होती है फिर फ्रीडम में रखो फोल्ड याद ठीक है फोल्ड याद रख लो फोल्ड में हो गया आपका नाइन पहले फ्रीडम की बात हो रही है उसमें किसकी फ्रीडम की बात होती है वो अगर आपको याद होगा वो मैंने आपको पहले बोला था वो आप कैसे याद रखोगे मैंने आपको कहा था वो सैमरो करके आप याद रखो ठीक है अगर कोई मेरे लेक्चर ध्यान से सुन रहा है तो मैंने उसमें आपको सैमरो बोला था एस ए एम आर ओ तो उसमें क्या क्या आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एसोसिएशन फिर असेंबली फिर मूवमेंट फिर रेजिडेंस एंड फिर ऑक्यूपेशन सैमरो ठीक है वो फ्रीडम के अंदर आता है नाइनटीन वन नाइनटीन टू नाइन थ्री नाइनटीन फोर नाइनटीन फाइव एंड नाइनटीन सिक्स फिर ट्वेंटी ऑफ ऑफेंसेज ट्वेंटी इज योर लाइफ एल डी से डिटेंशन ट्वेंटी टू फिर आगे हम एक्सप्लॉयटेशन में टेक केयर याद रखोगे इजी याद रखना जो एक्सप्लॉयट हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं ख्याल रखना टेक केयर तो टी से हो गया ट्वेंटी थ्री आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सी से हो गया चाइल्ड लेबर ट्वेंटी फोर फिर रिलीजन से क्या हो रहा है आजकल लोग अपना पेट भर रहे हैं ठीक है तो पेट याद रखोगे पी से हो गया प्रोफेस प्रोपोगेट प्रैक्टिस योर रिलीजन ए से हो गया मैनेज रिलीजियस अफेयर ट्वेंटी सिक्स ये हो गया ट्वेंटी फाइव टी से है आपका फिर ट्वेंटी सेवन टैक्सेस कोई आपको बनने नहीं पड़ेंगे अपना एडव प्रमोट करने के लिए एक सिंगल रिलीजन ई से हो गया आपका रिगार्डिंग योर रिलीजियस एजुकेशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दी जाएगी फिर हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये राइट्स जो हैं ये माइनॉरिटीज के हैं इतना आपको याद रखना पड़ेगा जहां पे माइनॉरिटी आ गया वहां पे आपको मी याद रखना है क्योंकि चाहे आप हिंदू हो आप जे के में माइनॉरिटी हो आप मुस्लिम हो आप इंडिया में माइनॉरिटी हो इसके अलावा भी कोई रिलीजन अगर के आप हो सिख हो तो भी आप माइनॉरिटी हो जैन हो तो भी आप माइनॉरिटी हो बुद्धिस्ट हो तो भी आप माइनॉरिटी हो, हो तो माइनॉरिटी तो कौन हो आप हो माइनॉरिटी में आप मी याद रखो ठीक है तो इसमें एम से क्या आ गया माइनॉरिटी के बारे में एंड ई e से आ गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राइट उनका स्टैब्लिश करने का चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपके आगे आर्टिकल थर्टी टू टू थर्टी फाइव रेमेडी हमेशा लास्ट में मिलती है तो अक्रॉस ऑल द फील्ड ये सेम ही रहेगा चाहे आप स्कूल में वो रेमेडी लास्ट में है डॉक्टर के पास जाओ रेमेडी लास्ट में है कहीं किसी अटैक में फंस जाओ रेमेडी लास्ट में है तो ये सेम रहेगी लास्ट में रेमेडी मिलना हर जगह तो एस से हो गया सुप्रीम कोर्ट के रिट थर्टी टू ए से हो गया आर्म्ड फोर्सेस जो है रजिस्ट्रेड करते हैं फंडामेंटल राइट इनके वो आ गया थर्टी थ्री ठीक है एम से हो गया मार्शल लॉ लेके आना थर्टी फोर एंड ई इज योर एनेबलिंग लेजिस्लेशन वो आर्टिकल थर्टी फाइव में आता है कि वो लेजिस्लेशन लाने का राइट किसके पास है पार्लियामेंट के पास ठीक है तो ये हुआ आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पे सारे आप रिकॉल करके ऐसे जल्दी करके रिवाइज कर सकते हो तो इस चीज में कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताओगे हम क्विकली आज का पहले ऊपर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़े आर्टिकल थर्टी टू से स्टार्ट किया हमने आर्टिकल थर्टी टू जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज के बारे में बात करता है थर्टी टू टू थर्टी फाइव जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज के बारे में बात करते हैं उसमें थर्टी टू क्या कहता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स तो जो राइट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है उनको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय बी आर को मैंडेटरी है सुनना एच के पास डिस्क्रिप्शन है फिर हमने देखा नो लोकल स्टैंड आई सो मोटो एंड नो टेक्निकलिटीज फॉलो करनी है फिर रिट हमने देखी अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया वो क्या कर सकता है इशू कर सकता है रिट दैट मीन एक ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए वापस राइट्स को वो हम देखा हेबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ इलीगल डिटेंशन में मैंडमस वी कमांड कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए या कुछ रोकने के लिए प्रोहिबिशन अपनी औकात से बाहर मत जाओ एक जो कोर्ट हायर अथॉरिटी का होगा वो किसी कोर्ट को लोअर अथॉरिटी के कोर्ट को ये बताएगा सर्च राय होता है टू बी सर्टिफाइड जिसमें कोर्ट ऑफ हायर अथॉरिटी बोलेगा कोर्ट ऑफ लोअर अथॉरिटी को कि आपके पास जो केस पेंडिंग है वो मेरे पास भेजो या उसका ऑर्डर स्कोश कर दो जो आपने ऑर्डर दिया हुआ है को वॉरेंटोइ बाय वट अथॉरिटी एक अनकॉलीफाइड पर्सन एक जगह अपॉइंट होता है या प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो सही से फॉलो नहीं हुआ है उस केस में को वॉरेंट इशू की जाती है फिर आर्टिकल थर्टी थ्री कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस इसमें आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेज पैरामिलिट्री तो इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्स आते हैं आर्टिकल थर्टी फोर क्या कहता है जो मार्शल लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपके फंडामेंटल राइट्स को ठीक है जिस एरिया में ही लागू हो गया है मार्शल लॉ उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स फाइन और इंडिया में अभी तक कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है आर्टिकल थर्टी फाइव क्या कहता है कुछ फंडामेंटल रिलेटेड जो लॉज है उनपे सिर्फ पार्लियामेंट कुछ फंडामेंटल रिलेटेड लॉज जो है दैट शुड बी क्रिएटेड ओनली बाय द पार्लियामेंट वो कौन से है सिक्सटीन थ्री थर्टी टू थ्री थर्टी थ्री थर्टी फोर सेवेंटीन एंड ट्वेंटी थ्री ठीक है ये हमने आज देखा और ये एक इसका सारे आपके फंडामेंटल राइट जो है इतने सारे पेजेस जो आपने अभी तक भरे होंगे वो सारे इस टेबल में फिट हो जाएंगे और ऐसे ही करके आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्जाम से दो चार दिन पहले सारा अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सको तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है नहीं आया तो दोबारा देखो समझ में आ जाएगा तो डिट द टाइम आप लोग नेक्स्टिव